असलम एवरी वन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद हतीजा आई एम एंड टूडे वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज चोक सो लेट्स बिगिन विद लेक्चर चोक कॉयल एक ऐसी वोटेड कॉयल है जिसके थ्रू हम ए सी करंट को ब्लॉक करते हैं ताकि हम हाई फ्रिक्वेंसी ए सी को लो फ्रिक्वेंसी ए सी में कन्वर्ट कर सकें तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो चोक कॉल इज अ कोयल और इंडक्टर दैट इज़ यूज टू तो ब्लॉक ए सी कारंट और कन्वर्ट हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट इनटू लो फ्रिक्वेंसी एसी करंट यानी एक ऐसा डिवाइस जो कि हम सर्किट में यूज़ करते हैं ताकि हम हाई फ्रिक्वेंसी एसी को लो फ्रिक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करते हैं अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आएँ तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी रेजिस्टेंस अब हम चोक कॉल एक ऐसा मटेरियल लेते हैं जो कि थेक हो यानी उसका एरिया बहुत ज़्यादा हो अब हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है विद एरिया तो जितनी ज़्यादा एरिया की वैल्यू होगी उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी यानी हम एक ऐसी वायर लेते हैं जिसका एरिया बहुत ग्रेटर हो ताकि उसकी रेजिस्टेंस इतनी कम हो कि हम बोलें कि उसकी रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है यानी चोक कॉयल एक ऐसा कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो या फिर निगलिजिबल है सेकेंड बात हमारे पास आती है चोक कॉल की जो कि है पावर स्टोरेज चोक कॉइल चोक इंडक्टर है तो वो पावर लॉस नहीं करता बल्कि वो पावर को स्टोर करता है विद इन इट सेल्फ ताकि जब हमारे पास बैक टू द सर्किट प्रोवाइड करनी हो पावर तो चोक कॉयल वो पावर जिसने स्टोर की है बैक टू द सर्किट दे सके और थर्ड मेरे पास बात आती है इसकी इंडक्टेंस चोक कॉयल हमेशा एक ऐसा मटेरियल लिया जाएगा जिसकी इंडक्टेंस मैक्सिमम हो अब हमें फॉर्मूला स्टडी किया है कि इंडक्टेंस इज इक्वल टू टू पाई एफ एल यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। यानी जितनी ग्रेटर मेरी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ग्रेटर मेरी इंडक्टेंस होगी यानी चोक कॉयल एक ऐसी कॉयल है जिसकी रेजिस्टेंस निगलीजिबल और इंडक्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए तो हम इसके लिए जो आइडियल मटेरियल यूज़ करते हैं वो है एक थिक कॉपर वायर यानी थिक कॉपर वायर एक आइडियल मीडियम एक आइडियल मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है अ चोक कॉइल। अब अगर मैं चोक कॉइल की यूसेज की बात करूँ तो उसका पहला जो यूसेज है वो यही है जो मैंने बोला कि हाई फ्रिक्वेंसी ए को वो लो फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करता है साथ ही साथ वो प्रिवेंट करता है करंट का फ्लो उस जगह पे जहां के हम नहीं चाहते सो इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ करंट टू एनी अनडिजायरेबल प्लेस प्रिवेंट फ्लो ऑफ करंट टू अनडिजायरेबल प्लेस अब यहाँ तक हमें स्टडी किया कि चोक कॉयल की डेफिनेशन क्या थी उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी चोक किस तरह का होना चाहिए उसकी रेजिस्टेंस जीरो निगलिजिबल और उसकी इंडक्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए अब यहाँ मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि चोक कॉल हम यूज़ करते हैं किसी भी करंट को ब्लॉक करने के लिए अगर यहाँ में एक सिंपल डाइग्राम दिखाऊँ तो ये हमारे पास एक ए सोर्स है ये मेरे पास मेरी चोक कॉयल है और ये मेरे पास बल्ब या कोई भी सोर्स जहाँ तक मुझे करंट लेके जानी है अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो ये सोर्स है ये मुझे करंट देता है ऑफ फोर एम और मेरा मेरे बल्ब को चाहिए वन एम करंट तो अब मैं फोर एम पे करंट उस बल्ब को नहीं दे सकती तो मैं यहाँ चोक इस्तेमाल करूँगी चोक यहाँ थ्री एम करंट को स्टोर कर लेगा और सिर्फ एक एमपेयर करंट को पास अप करने देगा यानी जो चार एम्पेयर की करंट यहाँ से आ रही थी उसमें से तीन एम करंट चोक ने स्टोर कर ली और सिर्फ एक एमपेयर करंट बल्ब तक जाने दी जिससे बल्ब लिट अप हो गया अब यहाँ काफ़ी बच्चों का ये सवाल उठा होगा कि रेजिस्टर भी तो यही काम कर रहा है तो फिर चोक का फायदा क्या है तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ती हूँ आई एम गिविंग यू टेन सेकेंड्स आप उस पर सोचें अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा आपके पास टेन सेकेंड्स आप लोग जरूर सोचिए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा क्वेश्चन इज वाई डू वी प्रेफर चोक कॉय ओवर अ रजिस्टर ये टाइम स्ट आप तो जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए तो गाइज अब मैं आपको आंसर देती हूँ जैसे मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया कि चोक कॉल हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि पावर स्टोर करेगा और डेसीपेशन कॉस्ट नहीं करेगा क्यों क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस निगलिजिबल है इक्वल टू तो जीरो है जबकि रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पावर को स्टोर नहीं करता बट बाय द वे इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज या फिर डेसीपेट करता है तो मैं लिखूँगी Because resistor causes dissipation of heat, or should I say, power while choke coil. 2 the power to अब अगर क्वेश्चन आए क्योंकि अब ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं चाहे वो फेडरल बोर्ड हो गुजरा वाला हो या पंजाब बोर्ड तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि वाई डू वी प्रेफर ओवर अ जबकि दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर हैं तो उनका फंक्शन भी काफी हद तक सिमिलर तो क्यों नहीं यूज करते हम रजिस्टर सिर्फ अ चोक कॉल तो इसका आंसर है क्योंकि जो रजिस्टर है वो पावर को स्टोर नहीं करता बल्कि उसको डिसिपेट कर देता है और डिसिपेट क्या करता है हीट एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता तो है वो साउंड के फॉर्म में भी हो सकता है जबकि जो चोक कॉल है वो पावर को स्टोर करता है ताकि जब जरूरत हो तो वो बैक जो सर्किट प्रोवाइड कर सके अब हम चलते हैं अपने अगले स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमारे अगले पेज में क्या है हमारे पास दो टाइप्स हैं जो कॉइल की एक हमारे पास है एएफसी एक हमारे पास है आरएफ सी एएफसी अगर मैं इसके एब्रिवेशन लिखूं तो इट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी चौक ए एफ सी और आर एफ सी है मेरे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक आर एफ सी यानी ए एफ सी ऑडियो फ्रिक्वेंसी चौक है और आर एफ सी रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक अब इनके डिफरेंसेस देखूँ तो ए एफ सी एक ऐसा चौक है जो कि ब्लॉक करेगा फ्रिक्वेंसीज लोअर देन ट्वेंटी के यानी के ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी या उससे नीचे की फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखता है जबकि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक है वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक करेगा जो हायर होंगी देन ट्वेंटी के हर्ट्स ये तो एक डिफरेंस हो गया अगला डिफरेंस हमारे पास ए एफ सी में क्या है कि हमने हमेशा देखे कि जब भी हम कोई इंडक्टर यूज़ करते हैं तो हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ कोर के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि जो हम उसकी इंडक्टेंस है उसको कंसनट्रेट कर सकें तो यहाँ ए एफ सी पे जो चीज़ हम कोर के लिए यूज़ करेंगे टू तो कंसनट्रेट दी इंडक्टेंस ऑफ ए एफ सी वो हमारे पास होगी आयरन कोर हम जो हमारे पास वोडेड कोयल होगी एफ सी की उसके अंदर हम इन्जर्ट कर देंगे आयरन कोर ताकि जो इंडक्टेंस है जो पहले मैक्सिमम थी अब वो मज़ीद बेटर या फिर मज़ीद एफिशेंसी से काम करें जबकि रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक पर हम एयर को एज अ कोर यूज़ करते हैं तो अगर मैं इनके डिफ्रेंसेज देखूँ तो दो टाइप है मेरे पास चौक कॉयल की ए एफ सी ऑडियो फ्रिक्वेंसी चौक आर एफ सी रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक

तो यहां मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी जो कोई होगा डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर सोलिनोइड एंड चोकोइ अब इन तीनों का डिफरेंस बताना क्यों जरूरी है क्योंकि तीनों के स्ट्रक्चरली वाइज सेम है अगर इंडक्टर को ड्रॉ करूं तो इंडक्टर भी इस तरह का है सोलिनोइड भी और चोक्टो ने भी बनाया यानी तीनों के स्ट्रक्चर सेम है तो फिर ऐसी क्या चीज़ है यानी ऐसा क्या फंक्शन है जो इन तीनों के दूसरे से डिफर करता है तो अगर मैं इंडक्टर की बात करूँ तो इंडक्टर हमारे पास स्टोरेज करता है लेकिन किस तरह इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म पे एनर्जी को स्टोर करता है लेकिन कब जब इसके पास डीसी सोर्स यानी जब ये डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट होगा तो इंडक्टर क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर कर देगा फॉर लेटर यूज जबकि जो सॉलिड नॉइड है ये क्या करता है कि जब इसको हम किसी डी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये एक टेम्पररी बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है टेम्पर बार मैगनेट यानी इलेक्ट्रो मैगनेट बन जाता है इट इज कनेक्टेड विद द डीसी सोर्स जबकि चोक हम अभी पढ़ के आए हैं कि ये हाई फ्रिक्वेंसी एसी को हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट को कन्वर्ट करता है इनटू लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट जैसे मैंने यहाँ बोला एसी तो ये सोर्स कौन सी है इसमें एसी सोर्स यानी अगर हम किसी इंडक्टर या फिर किसी रैप कॉयल को सच दैट कि उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो इंडक्टेंस मैक्सिमम हो रो पावर स्टोर करे ना कि डेसी इसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वह एक चोक की तरह काम करेगा और हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा अगर रिवाइज किया जाए तो इंडक्टर हमारे पास एक ऐसी कॉयल है एक ऐसी वनडेड कॉयल है जो कि एनर्जी स्टोर करती है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और तब जब इसे डीसी सोर्स के साथ कन्वर्ट किया जाए कनेक्ट किया जाए जबकि सॉलिइट हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि जब कनेक्ट की जाए डीसी सोर्स के साथ तो एक टेम्प्री बार मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रो मैगनेट के तौर पे एक्ट करती है और चोक कॉयल एक ऐसी वोडेड कॉयल है कि जब इसको कनेक्ट किया जाए ए सोर्स के साथ डीसी नहीं बल्कि एसी तो ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट को लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट के साथ कन्वर्ट कर देती है आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आई होगा बहुत ईजी था और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था जितना ये लेक्चर ईजी और इंटरेस्टिंग है उतना ही एस एल ओ बेस्ड क्वेश्चन से भरा हुआ है तो आई होप आपका जो क्वेश्चन बहुत अच्छा, अच्छा से स्टार्ट हुआ होगा अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी डी एम कर सकते हैं इंस्टाग्राम की लिंक एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नेगेबान